कार्तिक महीने में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। इस पूरे महीने में माता तुलसी के सामने दीपक जलाया जाता है। वैसे तो साल भर तुलसी की पूजा की जाती है, लेकिन कहा जाता है कि कार्तिक मास में तुलसी के सामने दीपक जलाने से मनवांछित फल मिलता है। कार्तिक के महीने में तुलसी की नियम पूर्वक पूजा करने व दीपक जलाने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक महीने में भगवान श्री हरि को तुलसी चढ़ाने का फल गोदान के फल से कई गुना अधिक हो जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन यानी देव उछनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। इसलिए हमें कार्तिक मास में रोज तुलसा जी के पास दिया जरूर जलाना चाहिए। पर अगर किसी कारणवश हम नहीं जला पाए तो हमें क्या करना चाहिए? तो चलिए बात करते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा में हम तुलसी पूजा कैसे करें और उसका क्या विधि विधान है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि हमें कैसे बत्तियां बनानी है और हमें कैसे जलानी है। तो इसके लिए मैं बता देती हूँ कि हमें ये लंबी वाली बत्तियां लेनी होगी। अब ये डिपेंड करता है, अगर आप पूरे साल की जलाना चाहेंगे तो आपको 365 आपको ये बत्तियां एक साथ मिला के घी में जला के, जो लिक्विड घी है उसको में मिला के वो जला सकते हैं। और अगर आप वो नहीं करना चाहते और अगर आप चाहते हैं कि एक महीने की कर लें तो एक महीने की भी आप कर सकते हैं, जो कि 30 या 31 आप कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम तुलसी पूजा की। ये मेरे घर की, मेरे आंगन में तुलसी मैया का पेड़ लगा हुआ है। अब आंगन तो है नहीं, तो बालकनी में ही हमारी रखी है तुलसी मैया। सबसे पहले मैं अपनी तुलसी मैया को सिंदूर चढ़ाऊंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे बिंदी लगा रही हूँ। उसके बाद मैं चूड़ियाँ पहनाऊंगी और एक एक करके मैं सुहाग का सारा सामान तुलसी मैया पे चढ़ा दूंगी, क्योंकि बिछिया भी मिले हैं और नथ भी मिली है, वो सब भी मैं लगा दूंगी। नेल पॉलिश लगा दूंगी और मेरी प्यारी तुलसी मैया को नज़र ना लग जाए तो नज़र का टीका भी लगा दूंगी। बाकी सारा जो सामान श्रृंगार का मिला है वो आप अपने श्रद्धा अनुसार ले सकते हैं, क्योंकि मैंने इस बॉक्स में ख़रीदा था तो इसमें सब कुछ मिला हुआ है। मिरर है, कॉम्ब है, तो सारी चीज़ें जो मिली हैं वो मैं सारी ऐसे ही रख दूंगी। जय हो तुलसी मैया। अब मैं अपनी तुलसी मैया पे चुनरी चढ़ाऊंगी। अब जो मैंने बत्तियां बनाई थी वो मैं एक साथ ही जला दूंगी। तो मैंने 31 बत्तियां बनाई थी तो मैं उसको एक साथ जला रही हूँ यहाँ पे। तो हम इसी तरीके से धूप बत्ती लगा देंगे और प्रसाद, अगर आप चाहते हैं तो आप कोई मीठा कुछ बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हलवा बनाया था तो मैं वो हलवा का भोग लगा रही हूँ। आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे जल चढ़ा रही हूँ। उसके बाद हम तुलसी जी की आरती कर लेंगे। तो इस तरीके से आप सारी बत्तियाँ एक साथ बना के जला सकते हो, नहीं तो जैसे ये देखिए इस तरीके से भी आप बना सकते हो कि यहाँ पे मैंने 31 दिए लगाए हैं और उनको अलग अलग जलाया है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरी विधि अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।